फाइनली टिकट लेने के बाद हम चल दिए अपनी बोट राइड के लिए। 9 बजे ओपन, 5 बजे ओपन, 5 बजे ओपन हो जाएगा, मॉर्निंग 5 बजे ओपन है। अच्छा, भगवान राम ने यहाँ पर अपना बाण डुबोया था, तभी से समुद्र के बीच में ये मीठे पानी का कुआ है। सामने देख सकते हैं श्री APJ अब्दुल कलाम सर का घर, ये वही पवित्र पत्थर है जिनसे राम सेतु बना है। यही धनुषकोडी है जहाँ श्री राम ने वानर सेवा के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था श्रीलंका तक पहुँचने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम मदुरई से रामेश्वरम आए, रास्ते में मैंने आपको पंबन ब्रिज भी दिखाया, मैं अग्नि तीर्थम के दर्शन भी किए और अगले दिन 22 कुंड में स्नान करके रामेश्वर मंदिर के दर्शन भी किए। यहाँ मौसम काफी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी तेज धूप निकल जाती है और कभी तेज बारिश हो जाती है। रामेश्वरम मंदिर के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर होटल में आराम किया, उसके बाद निकल गए बोट राइड के लिए जो हमारे होटल के काफी पास थी। इस समय वेदर बहुत ही प्लेजेंट था तो हमने सोचा बोट राइड क्यों ना की जाए। प्लान तो धनुषकोडी विजिट करने का था, पर सुबह से बारिश इतनी तेज थी कि धनुषकोडी जाने वाली रोड बिल्कुल ब्लॉक थी और वहाँ किसी को अलाउड नहीं था जाना, इसलिए हमने सोचा कि हमारे जो होटल के पास सेवा बोटिंग हाउस है वहीं से बोटिंग कर ली जाए। बारिश के कारण हवा बहुत तेज थी इसलिए बोट नहीं चल रही थी। अभी कुछ ही देर पहले बोट स्टार्ट हुई है और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ से आप टिकट काउंटर से 100 रुपीज की टिकट ले सकते हैं और बोट राइड 30 मिनट्स की होती है। फाइनली टिकट लेने के बाद हम चल दिए अपनी बोट राइड के लिए, देखते हैं कितनी अंदर ले जाते हैं ये लोग। अभी भी वेव्स इतनी तेज थी कि बोट पूरी झूल रही थी, आप देख सकते हैं सामने। ऊपर से हमारा होटल जीवन रेजिडेंसी भी दिख रहा था। वेव्स इतनी स्ट्रांग थी कि बोट पूरी झूलते हुए जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बम्पी बोट राइड में जा रहे हैं। रामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए हर स्टेट से लोग आते हैं, इस बोट पे भी हर जगह से लोग थे। अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ बैठकर इकट्ठे जाना और उनसे बातें करना, उन्हीं की लैंग्वेज में उनकी चीजों को समझना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आप सामने पूरा बे ऑफ बंगाल देख सकते हैं, मौसम बहुत क्लियर था और ऊपर के बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर। सामने आप राइट साइड में धनुषकोडी देख सकते हैं, दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ईस्टर्न टिप है पंबन आइलैंड की। फिलहाल धनुषकोडी जाने का जो स्ट्रेच है वो कम्प्लीटली बंद है क्योंकि 3 दिन से काफी बारिश थी। कल हमें वापस दिल्ली के लिए निकलना है, होप कर रहे हैं कि कल एटलीस्ट धनुषकोडी का वो स्ट्रेच खुल जाए जिससे हम जाते जाते धनुषकोडी जा पाए। सामने आप रामेश्वरम टेंपल देख सकते हैं और रामेश्वरम टीवी टावर देख सकते हैं। भैया धनुषकोडी खुला है? क्या क्या कल ओपन? पक्का ओपन है? अच्छा, आज क्यों बंद है? अभी बंद है। किस लिए? यस्टरडे न्यू ईयर है ना। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज बंद है। अच्छा, संडे कल खुलेगा? कल सुबह कल ओपन है। कल बंद रहेगा? क्यों? कल तो बंद रहेगा ना, खुलेगा कल ओपन ना? सुबह कल ओपन है, सुबह ओपन। या रेड अलर्ट है? 5 बजे ओपन, मॉर्निंग 5 बजे ओपन या 9 बजे ओपन?
5 बजे ओपन है। 5 बजे ओपन हो जाएगा मॉर्निंग 5 बजे ओपन है। अच्छा कब तक? अर्ली मॉर्निंग। कितने बजे तक? रात को? इवनिंग? इवनिंग 5 बजे। 5 बजे क्लोज। ओके कितना लेता हो आप धनुषकोड़ी का? धनुषकोड़ी का हाउ मच? 800। हां दो तीन आदमी है ना 900 रुपया। 900 रुपया। अच्छा धनुषकोड़ी ओनली है ना 700 रुपया। अच्छा लोकल के मंदिरा पूरा घूमना ना 900 रुपया। अच्छा तो ऑटो वाले भैया ने बताया कि धनुषकोड़ी कल ओपन होएगा सुबह 5 बजे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको ऑटो से धनुषकोड़ी जाना है तो उसका 700 रुपीज लगता है और अगर फुल साइट सीइंग करना है रामेश्वरम टेम्पल का और आसपास की जगह का तो 900 रुपीज लगता है। तो अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं और अगर आपको ऑटो लेना है तो आप इसी रेट के हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं। बोट राइड करके हम वापस निकल गए होटल की तरफ और थोड़ी देर में निकले हम लोकल साइट सीइंग करने, पर बारिश एकदम से अचानक से हो गई। बस सिर्फ आज का दिन था लोकल साइट सीइंग करने का, इसलिए हमने सोचा कि बारिश में ही निकल जाते हैं। सामने आप देख रहे हैं हमारे देश के महान राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर का घर। उनका ये घर म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है to showcase his books, awards and photographs. छोटा सा प्यारा सा एपीजे अब्दुल कलाम सर का घर उनके जीवन और उनके समय की अच्छी झलक दिखाता है। सर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए ज्यादा कर नहीं पाया। श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर के घर देखने के बाद अब हम निकल गए पंचमुखी हनुमान टेम्पल की तरफ, जहां पर अभी भी वही पत्थर रखे हुए हैं जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ था। सामने आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप तभी धारण करा था जब उन्होंने रावण के मायावी भाई अहि रावण को मारा था। ईयर 1964 में जब धनुषकोड़ी में सुनामी आई थी तो राम सेतु के कुछ पत्थर जमीन पे आ गए थे, वही पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं। ये वही पवित्र पत्थर हैं जिनसे राम सेतु का निर्माण किया गया था। फ्लोटिंग स्टोन्स के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि ये पत्थर कभी डूबते नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग पत्थर डुबोने की कोशिश कर रहे हैं पर ये पत्थर फ्लोट कर रहे हैं। ऊपर लोगों ने एक आम पत्थर डाला जो पानी में डूब गया पर ये फ्लोटिंग स्टोन अभी भी तैर रहा है। जो आप देख रहे हैं प्रूव करता है कि राम सेतु वाकई में था और वहीं से ही भगवान राम लंका गए थे। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब मैं आपको ले जा रहा हूँ बहुत ही मैजिकल प्लेस विलोंदी तीर्थम। जैसे आप जानते हैं कि समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, पर यह एक कुआं है जो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और इसका पानी मीठा है। माना जाता है कि भगवान राम जब सीता माता को यहाँ से लेके अयोध्या जा रहे थे तो सीता माता को बहुत प्यास लगी। श्री राम ने यहाँ पर बाण चलाया जिससे यहाँ पर मीठा पानी का जल स्रोत निकल आया। सामने आप वही कुआं देख सकते हैं जिसमें आज भी मीठा पानी है। माना जाता है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। भाई थोड़ा पानी हमें भी पिला दो, थोड़ा हमें भी पिला दो, पियो पी ले। अब तक मैंने सिर्फ सुना था कि यहाँ का पानी मीठा है। पीने के बाद मैं खुद कह सकता हूँ कि ये जगह वाकई में चमत्कारी है, अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप रामेश्वरम आ रहे हो। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, बस होप कर रहे थे कि अगले दिन का मौसम साफ हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नई दिन की शुरुआत के साथ होपफुली आज मौसम बहुत अच्छा है। हमें पता चला है कि धनुषकोड़ी का रास्ता खुला है, इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके अब हम धनुषकोड़ी जा रहे हैं और वहीं से मदुरई के लिए रवाना हो जाएंगे। रामेश्वरम के इस पवित्र धाम से अब जाने का वक्त आ गया है। यहाँ से हाथ जोड़ के अब हम जा रहे हैं धनुषकोड़ी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रामेश्वरम हमें दोबारा बुलाएं।
थोड़ी देर में हम धनुषकोड़ी पहुंचने वाले थे। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर था धनुषकोड़ी। ईस्टर्न मोस्ट टिप 9 किलोमीटर थी। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे थे, हवा काफी तेज होते जा रही थी। इस रोड के लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल थी और राइट साइड में इंडियन ओशन। मॉनसून में ये रोड बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशन, दोनों का पानी इस रोड पे आ जाता है और बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है रास्ता। हमारी किस्मत थी कि 3 दिन के बाद ये रास्ता खुला और हमें धनुषकोड़ी जाने का सौभाग्य मिला। आपको बताना चाहूंगा मैं कि धनुषकोड़ी में इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन था, पर अनफॉर्चुनेटली 1964 में इतनी जबरदस्त सुनामी आई कि धनुषकोड़ी में सब कुछ स्वाहा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पूरा धनुषकोड़ी का शहर खत्म हो गया। अभी सिर्फ रुइंस बचे हैं वहाँ पे। अब सामने जो जगह देख रहे हैं, ये पूरा धनुषकोड़ी का गांव बसा हुआ था, पर 1964 की सुनामी ने सब कुछ खत्म कर दिया। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के बीच की ये जगह जितनी प्यारी थी, उतना ही इस जगह में खालीपन भी था। 1964 की सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। 1964 से पहले धनुषकोड़ी इंडिया का एक फेमस पॉइंट था एंट्री के लिए। श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से धनुषकोड़ी तक की कई फेरीज चलती थी। लोग और सामान काफ़ी कुछ यहाँ से आया जाया करता था। 23 दिसंबर 1964 की रात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जगह बिल्कुल वीरान हो गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, रोड छोटी होते जा रही थी और आप दोनों ओशंस को देख सकते थे, एक साइड बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड इंडियन ओशन। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ईस्टर्न मोस्ट टिप की तरफ जा रहे थे, मन में बहुत कुछ चल रहा था। अभी हम कुछ ही देर में वही जगह पहुंचने वाले हैं जहां से श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। कुछ अलग सी वाइब्स थी इस जगह की, अलग ही फीलिंग आ रही थी यहां पर पहुंचने पे। हार्ट बीट तेज होते जा रही थी, क्योंकि हम वो जगह पहुंचने वाले थे जहां से राम सेतु का निर्माण हुआ था। सो फाइनली हम पहुंच गए थे इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट टिप पे, लास्ट रोड ऑफ इंडिया। मिक्स फीलिंग्स थी यहाँ पहुँच के। एक तरफ सुनामी से तहस नहस हुआ धनुषकोड़ी को देख के काफ़ी बुरा लग रहा था, और दूसरी तरफ इतना अच्छा लग रहा था कि हम ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था लंका तक पहुँचने के लिए। सामने आप ये वही जगह देख रहे हैं जहाँ से श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। हालांकि वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से राम सेतु काफी नीचे चला गया है, ये भी माना जाता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है और यहीं से लंका तक जाने का रास्ता है। श्रीलंका यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है। इनफैक्ट श्रीलंका के नेटवर्क टावर्स भी हमारे फोन में आ रहे थे। इस जगह का ऑरा ही बहुत अलग था। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का संगम देख रहे हैं आप सामने। दिस प्लेस वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अपने आप को काफी लकी मान रहा था ऐसी जगह पहुंच के। ये जगह इतना अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ कि मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। ये काफी देर यहाँ पर बैठे, मन का स्मरण किया, फिर वापस निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से हम डायरेक्टली जा रहे हैं मदुरई, जहाँ से हमारी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। करता हूँ रामेश्वरम सीरीज के दोनों एपिसोड्स आपको अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश करी आपको हर जगह के दर्शन कराऊँ। करता हूँ आप सबने दर्शन भी करे होंगे। मिलता हूँ मैं आपको एक नई जगह, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।